या उनको कैरी ऑन किया जाता है अगर कैरी ऑन किया जाता है तो किन के साथ किया जाता है क्योंकि पार्टी तो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है सो वी विल गेट टू नो इन दिस सेशन स्टेट यू हेयर इट इज सेक्शन फोर्टी क्लोज वन सेक्शन फोर्टी क्लोज वन हमें बताता है दैट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शेल नॉट बी डैश बाय शेल नॉट बी डिस्चार्ज अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है एनी पार्टी फेस एनी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो कि उनके बीच में है इट विल नॉट डिस्चार्ज मीन्स वो खत्म नहीं होता है ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वही खत्म हो गया है उसको आप फर्दर कैरी ऑन नहीं कर सकते ये हमें सेक्शन फोर्टी क्लोज वन में बताया गया है नाउ सेक्शन फोर्टी क्लोज टू ये हमें फर्दर क्या प्रोवाइड करता है दैट द अथॉरिटी ऑफ एन आर्बिट्रेटर शेल नॉट बी रिवॉक्ड बाय द डैश ऑफ एनी पार्टी कि जो भी आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी थी सपोज कीजिए ए और बी पार्टीज हैं और इनका जो आर्बिट्रेटर सी है उसके सामने क्या चल रहा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में डिस्प्यूट था एनी पार्टी सपोज ए इज नाउ डेड सो वट हैपन देयर प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी डिस्चार्ज प्रोसीडिंग कैरी ऑन रहेगी और जो अथॉरिटी आर्बिट्रेटर की थी सी की थी ये भी रिवॉक नहीं होगी मीन्स ये भी खत्म नहीं होगी ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टी किसी पार्टी की डेथ की वजह से द लीगल रिप्रेजेंटेटिव टोल यू तो, तो किसके साथ कैरी की जाएगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइक वाइफ हो सकती है सन हो गया एनी फैमिली मेंबर of the deceased the death, dead person are entitled and they are also bound to be dash on record, to be brought on record means किसी का भी केस चल सकता है या वो बाउंड भी हो सकते हैं अवॉर्ड से या उनको लेकर आया जा सकता है कि अब आपके साथ ये जो भी डिस्प्यूट है ये कैरी ऑन किया जाएगा राइट right? easy नाउ सेक्शन फोर्टी क्लोज थ्री जो है उसका एक प्रोविजन है प्रोविजो मीन्स दैट्स एन एक्सेप्शन प्रोविजो का मीन्स एक्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स हु डोंट नो दे कैन राइट इट प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन सो प्रोविजन क्या कहता है दैट सर्टेन राइट्स ऑफ एक्शन कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि डाई जो क्या हो जाते हैं डिस्चार्ज होते हो जाते हैं विद द मैन जिस भी पर्सन की डेथ हुई है दे गो विद दैट पर्सन ओनली आप फर्दर उन राइट्स को फिर कैरी ऑन नहीं कर सकते बट दिस अप्लाइज ओनली टू दी एक्शन ऑफ डैश नेचर जो सिर्फ पर्सनल नेचर के हैं सिर्फ ऐसे राइट्स जिसमें उस पर्सन person की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर्सनल स्किल पर्सनल एनी क्वालिटी का ही यूज़ हो सकता था वो उस पर्सन के साथ डाई हो जाएंगे क्योंकि आप वो राइट्स किसी और पर्सन पर नहीं लगा सकते उनको बाउंड नहीं कर सकते सपोज उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाउंड नहीं कर सकते कि आप ये काम करिए जैसे कि हमने देखा हो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हो लाइक कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट लाइक सपोज टू पार्टीज हैं ए एंड बी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जो बी है वो ए के एक ए ने कोई फंक्शन अरेंज कर रखा और उस कॉन्सर्ट में आके गाना गाएगा बी इज़ अ सिंगर ऑल राइट नाव इनका बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ है वो लेटर ऑन किसी आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर के सामने चल रहा है द थर्ड पर्सन मीडिएटर की तरह इनके मामले को सुलझा रहे हैं नाउ यहाँ पर जो बी पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है ना तो अब सी इसके लीगल रिप्रेजेंट सपोज कीजिए बी का सन है जिसको पार्टी में लिया गया ना तो बी के सन को कह सकते हैं कि आप सिंग करके आइए बिकॉज दैट्स ऑफ अ पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट ओके कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सनल क्वालिफिकेशन का था पर्सनल क्वालिटी का था यहाँ पर जो गाना गा सकता है वो सिर्फ बी ही गा सकता है उसको उसका सन नहीं गा सकता बिकॉज हेयर दैट्स वाई कि आप उस पर ये चार्ज नहीं कर सकते और ये एग्रीमेंट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा सो दिस राइट

ठीक है ना उसको ये नहीं है कि अब यहाँ पर बी कसन ये नहीं कह सकता कि अगर कोई और चीज़ होती कि नहीं मेरे फादर की डेथ होगी तो वही करते मैं नहीं कर सकता नहीं अगर कुछ ऐसा राइट है कोई ऐसा एक्शन है सपोज कीजिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ठीक है ना बी ने ए से पैसे ले रखे थे और ए ने बी को कहा है मेरा पैसा दो बी ए का पैसा दो दे गया बट इंटरेस्ट नहीं पे करके गया तो अब बी का सन ये नहीं कहेगा नहीं मेरे फादर की डेथ हो गई तो इंटरेस्ट वही पे करते मैं नहीं करूँगा नो यू आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव नाउ यू आर बाउंड टू पे द इंटरेस्ट टू ए सो इट मे बी एनफोर्स्ड बाय एनफोर्सड बाय मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एनफोर्स भी किया जा सकता है और उनके अगेंस्ट भी किया जा सकता है राइट right? सपोज इसको ही अगर हम इसमें रिवर्स केस मान लें कि ए को इंटरेस्ट पे करना था तो ए यहाँ पर ये नहीं कहेगा मैंने तो बी से पैसा लिया था नहीं ए को उसके सन को देना पड़ेगा देना तो पड़ेगा अगर आपने पैसा लिया है थो. तो तो इट कैन बी एनफोर्ड इसीलिए मैंने यहां पर लिखा इट कैन बी एनफोर्ज बाय एज वेल एज अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव राइट सो दिस इज द केस ऑफ विच डेथ कि अगर डेथ हो जाती है तो वट विल बी द इफेक्ट ऑन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स

इंसॉलवेंसी ऑफ द पार्टी इज दैट इफ़ द डैश एडॉप्ट कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द रिसीवर मीन्स जिसको पैसा लेना मिलना है और दूसरी पार्टी क्या हो गई इंसोलवेंट हो गई ए और बी है यहाँ पर ए इंसॉलवेंट हो गया पैसा नहीं दे पा रहा है तो बी जो रिसीवर है तो इंसॉलवेंसी के, के केस में होगा इफ द रिसीवर एडॉप्ट कॉन्ट्रैक्ट स द आर्बिट्रेशन क्लोज जिसमें आर्बिट्रेशन क्लोज लिखा हुआ है कि जो भी मैटर का वो आर्बिट्रेशन क्लोज में जाएगा ही विल बिकम डैश ही विल बिकम बाउंड बाय द क्लोज वो क्लोज के अकॉर्डिंग ही चलेगा एंड मैटर विल बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेशन मैटर जो भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है वो आर्बिट्रेशन ही डिसाइड करेगा वाई बिकॉज जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आर्बिट्रेशन क्लोज का मैट बात ऑलरेडी मैंशनड थी वो अब कोर्ट में नहीं जा सकता उसको मैटर को आर्बिट्रेशन में ही सुलझाना पड़ेगा एंड ही इज बाउंड बाय द क्लॉज दैट्स द वन इफेक्ट द अनदर इज द अदर इफेक्ट इज दैट इफ द मैटर हैज़ टू बी डिसाइडेड फॉर द परपज ऑफ कैरिंग आउट द डैश प्रोसीडिंग्स इन प्रोसीडिंग्स हैं इन सोलवेंसी प्रोसीडिंग्स हैं और उनको कैरी करना है उस चीज से रिलेटेड एक डिस्प्यूट है एंड द डिस्प्यूट हैज़ आउट ऑफ़ द कॉन्ट्रैक्ट से ही अराइज हुआ है द रिसीवर में अप्लाई टू द डैश रिसीवर अब कहाँ पर जा सकता है कोर्ट में जा सकता है फॉर एन ऑर्डर कि आप ऑर्डर पास कीजिए रिगार्डिंग दिस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग फाइन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से रिलेटेड है तो आप कोर्ट में जाइए बट अगर अदर मैटर है तो आपको आर्बिट्रेशन से ही बाउंड रहना पड़ेगा अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज मैं है तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी टेक्निकल लैंग्वेज बट डोंट गेट कन्फ्यूज बिकॉज एग्जाम में कुछ भी आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा डोंट गेट पैनिक लिसन एंड रीड द स्टेटमेंट केयरफुली अभी यहाँ पर आप पूरा सेशन रिवाइज कर रहे हैं वहाँ पर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको बहुत आराम से स्टेटमेंट को रीड करना है रीड इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वट क्वेश्चन इज आस्ड फ्रॉम यू आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आर्बिट्रेशन क्लोज मैंशन है और मैटर ऑफ डिस्प्यूट है तो आर्बिट्रेशन में ही उसको हेल्ड किया जाएगा बट इनसोल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का कोई केस है उससे रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है तब आप कोर्ट में जा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो फॉर एन ऑर्डर राइट एंड इन डेथ एज यू नो कि डेथ में के केस में जो एग्रीमेंट है वो डिस्चार्ज नहीं होता है आप प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करोगे विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिस्पेक्टेड दिस डिसीज पर्सन और वहाँ पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर बाउंड दे हैव टू एक्ट अगेंस्ट दिस पार्टी और वहाँ पर अगर उनका कोई राइट right है दे आर दे कैन क्लेम इट एज वेल एज इफ एनी राइट अराइज अगेंस्ट दैम वो उस अगेंस्ट डिसीजन uh, से भी बाउंड होते हैं सो विद दिस दिस अनदर सेक्शन ऑफ फोर्टी एंड फोर्टी वन आर कम्प्लीटेड आई होप योअर प्रिपरेशन आर गोइंग वेल सिलेबस हम अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है आपने डेली के सेशन आ रहे हैं डेली की क्लासेज आ रही हैं डोंट स्किप एनी सेशन बी कंटिन्यू इन योर सिलेबस एंड इफ यू वांट टू नो एनी अदर क्वेश्चन या कोई डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है यू कैन कमेंट मी और यू कैन मेल मी ऑन द आई डी टिल देन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग स्टेट थैंक यू